Hello students, how are you all? I hope you all are fine. Once again, I am Smriti here. Welcome to Maths class. In our last video, हम कहाँ गए थे? Jungle school में गए थे और वहाँ पर हमने क्या देखा था? बहुत सारे animals और birds देखे थे? Yes, और हमने enjoy किया था. Okay, so today I am going to teach you unit 3 and the name of unit is Measurement. क्या नेम है यूनिट का? Measurement. And our topic is measurement of length. Our topic is measurement of length. Means किसी भी length को measure कैसे करते हैं. So अब हम क्या सीखेंगे? किसी length को measure करना सीखेंगे. Do you know students, जो पहले लोग होते थे वो क्या use करते थे things को measure करने के लिए? Yes, वो अपने बॉडी पार्ट्स का यूज करते थे, है ना. तो कुछ बॉडी पार्ट्स थे जो वो लोग यूज करते थे चीजों को मेजर करने के लिए, थिंग्स को मेजर करने के लिए, ऑब्जेक्ट को मेजर करने के लिए. तो अभी मैम आपको वन बाय वन बताएंगे कि वो कौन कौन से बॉडी पार्ट यूज करते थे. नाउ लुक एट दिस. यस, दिस इज आवर फिंगर. क्या देखा अभी हमने पिक्चर में? फिंगर. ओके, नाउ लुक अनदर पिक्चर. Yes, this is our handspan. क्या था ये? Handspan. Now look next picture. Yes, this is our cubit. क्या था ये? Cubit. Now look next picture. Yes, this is pace. This is pace. So अभी हमने कुछ body parts देखे जो लोग use करते थे things को measure करने के लिए. Okay? तो अभी क्या मैम आपको वन बाय वन करके बताएंगी कि हम प्रैक्टिकली बताएंगे कि कैसे मेजर करते थे किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी थिंग को. ओके, नाउ लुक एट द बोर्ड. फिल इन द ब्लैंक्स. आपको ब्लैंक्स में फिल करना है. अब फिल कैसे करेंगे? जब हम थिंग्स को मेजर करेंगे, ऑब्जेक्ट को मेजर करेंगे. नाउ फर्स्ट इज योर टेबल इज डैश Handspans long. अब इसके लिए हमें क्या चाहिए? Yes, we need table. अब हमें table चाहिए. Okay, तो अभी मैम आपको कर कर दिखाएंगी. Now लक्ष्मी मैम will show you how to measure length of table by using handspan. क्या यूज करना है हमें? Handspan यूज करना है. Okay, so लक्ष्मी मैम, आर यू रेडी? प्लीज welcome. Hello students. Yes, now Lakshmi ma'am is here and this is our table. So Lakshmi ma'am, are you ready? Yes ma'am. Okay ma'am, please start. 1, 2, 3, 4, 5. So what we will write here? 5. Kitne handspan use kiya ma'am ne? 5. ओके, सो लक्ष्मी मैम, आई होप इनको हैंडस्पैन से मेजर करना आ गया होगा. आ गया स्टूडेंट्स आपको? ओके, थैंक यू लक्ष्मी मैम. बाय बाय स्टूडेंट्स. ओके, अब लक्ष्मी मैम तो चले गए हैं. नाउ वी विल रीड आवर नेक्स्ट सेंटेंस एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज योर टीचर्स टेबल इज डैश क्यूबिट्स लॉन्ग. अब इसमें तो हमने हैंडस्पैन यूज किया था, अब हम क्या यूज करेंगे? क्यूबिट्स. नाउ शशि मैम विल कम एंड शी विल शो यू हाउ टू मेजर टीचर्स टेबल बाय यूजिंग क्यूबिट्स. सो शशि मैम, आर यू रेडी? प्लीज वेलकम शशि मैम. हेलो किड्स. यस, दिस इज अवर टीचर टेबल एंड शी इज मिस शशि. सो शशि मैम, आर यू रेडी? यस मैम. ओके, स्टार्ट मैम. क्यूबिट. 1, 2, 3. सो व्हाट वी विल राइट हियर? 3. आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि टीचर टेबल को क्यूबिट से कैसे मेजर करते हैं. सो शशि मैम, थैंक यू. थैंक यू मैम. ओके, अभी शशि मैम तो चले गए हैं. नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल रीड आवर नेक्स्ट सेंटेंस. द ग्रीन बोर्ड इन योर क्लासरूम इज डैश क्यूबिट्स लॉन्ग.
अभी सेम जैसे मैम ने आपको टीचर टेबल मेजर करके दिखाई थी क्यूबिट का यूज करके, अब ऐसे ही आपको ये ग्रीन बोर्ड मेजर करना बताएगी। सो दोबारा से बुलाएं शशि मैम को। यस शशि मैम प्लीज कम एंड मेजर। ओके शशि मैम आर यू रेडी? यस मैम। ओके प्लीज स्टार्ट। यस अब मैम क्या मेजर कर रही है? ग्रीन बोर्ड। वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स। यस तो व्हाट वी विल राइट हियर? यस सिक्स क्यूबिट्स। सो आई होप आपको समझ में आया होगा मैम ने अब आपको क्या मेजर करके दिखाया? ग्रीन बोर्ड। ओके मैम थैंक यू बाय। नाउ पूजा मैम विल कम एंड शी विल टेल यू हाउ टू मेजर लेंथ ऑफ लंच बॉक्स बाय यूजिंग अवर फिंगर्स। सो वेलकम पूजा मैम। हेलो डियर स्टूडेंट्स। यस नाउ शी इज मिस पूजा एंड दिस इज अवर लंच बॉक्स। सो पूजा मैम आर यू रेडी? यस स्टार्ट मैम। वन टू सो व्हाट वी विल राइट हियर? टू। मैम ने कितनी टाइम फिंगर यूज की है? टू टाइम। सो पूजा मैम आई होप इनको फिंगर से मेजर करना आ गया होगा। ओके पूजा मैम थैंक यू। ओके स्टूडेंट्स अभी पूजा मैम चले गए हैं। नाउ रीड अवर लास्ट सेंटेंस एंड द सेंटेंस इज ए वॉल ऑफ योर क्लासरूम इज डैश पेसेस लॉन्ग। नाउ शशि मैम विल कम एंड शी विल टेल यू पेस क्या होता है। ओके सो शशि मैम प्लीज वेलकम। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट। नाउ अभी आपने क्या देखा? मैम ने क्या मेजर करके दिखाया था आपको? वॉल को मेजर करके दिखाया था बाय यूजिंग अवर पेसेस। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। यस इन द सेम वे यू कैन सॉल्व पेज नंबर 98 इन योर मैथ्स बुक। और अब मैम आपको पढ़ाने वाली है मीटर एंड सेंटीमीटर। सो मीटर की शॉर्ट फॉर्म क्या राइट करते हैं हम? एम, एम ए टी आर ई मीटर, एंड उसकी शॉर्ट फॉर्म को हम राइट करते हैं एम से। एंड सेंटीमीटर सी ई एन टी आई सेंटी एम ई टी आर ई मीटर, और उसकी शॉर्ट फॉर्म हम राइट करते हैं सी एम सेंटीमीटर। सो अब मीटर का यूज हम किस लिए करते हैं? मीटर का यूज हम करते हैं लॉन्ग लेंथ को मेजर करने के लिए। एंड सेंटीमीटर का यूज किस लिए करते हैं? शॉर्ट लेंथ को मेजर करने के लिए। लॉन्ग लेंथ मीटर एंड शॉर्ट लेंथ सेंटीमीटर। अब लॉन्ग लेंथ के एग्जाम्पल क्या होते हैं? जैसे हम अभी वॉल को हमने पेसेस से यूज किया, ये तो पुराने समय में लोग करते थे है ना, तो अब हम उसको किससे मेजर करते हैं? मीटर से मेजर करते हैं। और सेंटीमीटर लाइक हम मेजर करते हैं स्मॉल थिंग्स लाइक पेंसिल हो गई है ना, तो उसको हम किससे मेजर करते हैं? सेंटीमीटर से। अभी मैम आपको कुछ दिखाने वाली है ठीक है, तो लुक एट दिस। व्हाट इज दिस? दिस इज स्केल। क्या है ये? स्केल है। और आप सभी के पास भी स्केल होता है, तो स्केल पर सबसे फर्स्ट में आप देखेंगे लिखा हुआ है सेंटीमीटर। क्या लिखा हुआ है? सेंटीमीटर सी एम, जो शॉर्ट फॉर्म होती है सेंटीमीटर की सी एम। सब अपना अपना स्केल देखेंगे लिखा हुआ है ना, वेरी गुड। और यहां पर कुछ नंबर्स दिए हुए हैं 0, 1, 2, 3, 4 है ना, तो अब हम कैसे मेजर करते हैं वो देखेंगे। अभी मैम आपको दिखाने वाली है पेंसिल, पेन दिखाती है चलो मैम आपको ठीक है। तो पेन देखेंगे, व्हाट इज दिस पेन? अब हमें इस पेन की लेंथ को क्या करना है? मेजर करना है अपने स्केल से। तो लुक एट दिस, ये पेन है। अब हम अपने स्केल को यहां पर रखेंगे, बिल्कुल कॉर्नर से मेजर करेंगे जीरो से, और इसकी लेंथ है 14। क्या है? 14 सेंटीमीटर, क्योंकि स्मॉल थिंग को और हम स्केल से क्या मेजर करते हैं? सेंटीमीटर में मेजर करते हैं। ओके अभी मैम आपको एक और चीज मेजर करके दिखाएंगी, रजिस्टर की मेजर कैसे करते हैं। ओके नाउ लुक एट दिस, दिस इज रजिस्टर। अब ये हमारा स्केल है, तो अब हम रजिस्टर के यहां स्केल रखेंगे जीरो से स्टार्ट, नंबर 15 यहां तक आया, देन नंबर 15, तो टू टाइम्स इसमें पूरा पूरा स्केल यूज हुआ है। 15 प्लस 15 क्या होता है हमारा? 30।
तो 30 सेंटीमीटर। इसी तरह से आप कोई भी स्मॉल थिंग को स्केल की यूज करके जो है वो मेजर कर सकते हैं। और बिग ऑब्जेक्ट या बिग चीजों को मेजर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? मीटर। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको मीटर और सेंटीमीटर भी समझ में आ गया होगा। यस, इन द सेम वे यू कैन सॉल्व पेज नंबर 99 इन योर मैथ्स बुक। इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न अबाउट मेजरमेंट ऑफ वेट। आज हमने लेंथ के बारे में पढ़ा था, नेक्स्ट वीडियो में हम वेट के बारे में पढ़ेंगे। सो टिल देन बाय, थैंक यू।